आज हम टमाटर में लगने वाले आजकल जो रोग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बताऊँ कि आजकल जो है, क्योंकि इस बार मौसम थोड़ा सा अलग है, कहीं कहीं कभी कभी बारिश हो रही है, कभी एकदम टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, बौछारें भी पड़ रही हैं, कई बार कम हो रही है, कई बार ज़्यादा हो रही है। तो ये जो इस तरह का मौसम होता है, ये बीमारियों के लिए भी काफ़ी होने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रकोप रहता है। तो आजकल अगर आप देखेंगे तो आप ये जो खेत हैं इसके टमाटर के, उनमें आप देखेंगे कि पत्तों पे काफ़ी जो है वो धब्बे जो है आपको नज़र आएंगे। पत्तों पे हल्के रंग के या गहरे रंग के जो है वो दाग नज़र आएंगे। इनको हम पत्ता धब्बा रोग बोलते हैं, क्योंकि शुरू में ये जैसे धब्बे होते हैं छोटे छोटे पत्तों पे, वैसे पड़ते हैं, भूरे रंग के भी होते हैं, काले रंग के भी हो जाते हैं, और ऐसे ये स्ट्रॉ कलर के भी हो जाते हैं। और बाद में क्या होता है कि अगर प्रकोप ज़्यादा बढ़े, यानी कि मौसम का जो इसका बारिशें हो या जो ह्यूमिडिटी हो वो ज़्यादा हो, तो इसमें जो है ये जितने भी ये दाग हैं, ये धब्बे जो हैं जिनको हम पत्ता धब्बा बोलते हैं पहले, ये बाद में क्या होता है कि ये इनका साइज जो है वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, और ये साइज जो है वो बड़ा होके पूरे पत्ते के काफ़ी बड़े भाग को ये धीरे धीरे नुकसान पहुँचाने लग जाता है, और इस वजह से ब्लाइट जैसी बन जाती है। और ये जो रोग है कई प्रकार के फफूंदों द्वारा और कई प्रकार के बैक्टीरिया से होता है। तो अगर और ये धब्बे पत्तों पे ही नहीं, पत्तों के जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं उन पे भी ये दाग जो है वो उभरते हैं, और इस तरह से ये टहनियों पे भी ये दाग आपको नज़र आ सकते हैं, धब्बे नज़र आ सकते हैं। तो पत्ते जो है वो इस समय जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, तो जितना ये हिस्सा जो है हरा नहीं रह जाएगा, उतने हिस्से में जो है वो भोजन जो है पौधा नहीं बना पाएगा, और उससे जो है वो कमी उसमें रहेगी, और उसकी जो आप क्योंकि सारा भोजन जो है इस वक्त जो है वो फलों की तरफ उसका खिंचाव रहता है, तो फलों पे भी इसका नुकसान होता है, फल के साइज पे भी नुकसान होता है। और कई बार जब प्रकोप और अधिक हो जाता है तो ये जो धब्बे हैं ये फलों पे भी आ जाते हैं, उससे जो है फल का जो है सीधा नुकसान हो जाता है। जब पत्तों पे ये दाग उभरते हैं, जैसे मान लो आपका पौधा बड़ा हो गया, उसका जो है पत्ते जब बड़े हो जाते हैं, और जैसे ही गर्मी का मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है और बीच बीच में बौछारें प्री मानसून या जो है वो बीच में ऐसे बौछारें अगर हो जाए, तो इससे इसका प्रकोप आपको अपने खेत में नज़र आएगा। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि उससे पहले जैसे ही ये प्रकोप आपको दिखे, और अगर आपको लगे कि ये मौसम जो है ऐसा रहेगा और ये और बढ़ सकता है, तो इसको और ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए जो है सलाह देते हैं कि वो छिड़काव करें। फफूंदनाशक जो है वो मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उनका हम छिड़काव जो है वो कर सकते हैं। ये पड़ते हैं आपके 30 से 35 ग्राम प्रति पंप, 15 लीटर वाले पंप में इनको अगर डाल के इसका हम छिड़काव जो है कर सकते हैं, उससे जो है ये प्रकोप जो है वो धीरे धीरे जो है इसका कम हो जाता है। और अगर आपको लगे कि ये प्रकोप अभी है और इसमें अभी रोग है और मौसम भी वैसा बना हुआ है, तो आप इसका छिड़काव जो है वो 12 से 14 दिन के अंतराल में दोबारा से वो कर सकते हैं। इसमें आजकल के दिनों में बैक्टीरियल स्पॉट जिसको हम बोलते हैं वो भी काफ़ी देखा गया है। तो बैक्टीरिया से स्पॉट होते हैं, इनमें जो है इनमें स्पॉट के साथ साथ थोड़ा सा पीलापन, और पीलेपन के साथ साथ जो है पत्ते वहाँ से तुड़े मुड़े जैसे भी हो जाते हैं, और साथ में निचली तरफ को अगर आप इसमें देखेंगे तो पनीले जैसे धब्बे जो है आपको पत्तों के निचली तरफ आपको नज़र आएंगे, जैसे उनमें जो है पानी जैसा पनीले, मतलब जो पानी नुमा धब्बे जो है वो निचली तरफ आपको नज़र आएंगे। कई बार पत्तों पत्ते जो है उनका जो है वो थोड़ा सा पोर्शन जो जिसमें स्पॉट बना है वो गिर भी जाता है, तो जैंथोमोनास वेसिकटोरिया नामक बैक्टीरिया है उससे होते हैं। और ये जो रोग है ये बीज जनित देखा गया है इसको, कि बीज द्वारा आता है, तो इसका भी ध्यान रखें। किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूँ कि एक तो बीज जो है अपना सर्टिफाइड बीज लेना चाहिए, और वैसे तो जितनी भी कंपनी और जो भी जो सर्टिफाइड सीड होता है वो ट्रीटेड होता है, उनको ट्रीट किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं सलाह देता हूँ किसान भाइयों को कि जो अपना बीज जो है जब भी आप इसको नर्सरी में लगाएं तो उसको जो है वो ट्रीट जरूर करें,
उसको उपचारित कैप्टान नाम का दवाई है उससे भी आप उपचारित कर सकते हैं। वो फफूंद के लिए भी हो जाता है, और अगर आपको लगता है कि बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया के लिए स्पेशली करना है, तो आप इसको जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से जो है इसको आप उपचारित कर सकते हैं। तो आने वाले मौसम में आपको पता है कि अब बरसात आने वाली है, और बरसात में जो है वो बारिशें जब ज़्यादा होंगी तो उसमें क्या होगा कि आप हमारे जो टमाटर में है वो एक प्रमुख रोग है इस इलाके में, और इस पूरे जहाँ जहाँ टमाटर उगाया जाता है वहाँ एक प्रमुख रोग है, उसको हम काली टिक्की या बकाई रॉट, और एक और है लेट ब्लाइट, उसी का एक और भाग है लेट ब्लाइट प्रकार है लेट ब्लाइट, उसको भी ये रोग जो है वो काफ़ी आ जाता है। जहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा रहता है वहाँ पर लेट ब्लाइट ज़्यादा आती है, और जहाँ पर मौसम थोड़ा बरसात में गर्म होता है वहाँ पर बकाई रॉट आती है। तो ये दो रोग जो है अब बरसात में आने वाले सीजन में काफ़ी जो प्रमुखता से आते हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूं कि वो आजकल ही उसकी तैयारी जो है आपको करनी होगी। एक तो ये है कि आपको जो आपका जो पौधा है उस पौधे को आपको जो है उसके, क्योंकि ये जो रोग है ये रोग जो है वो नीचे से जो है ऊपर को जाता है, मिट्टी में होता है ये रोग, और मिट्टी से आप अगर आप देखेंगे तो इसमें अब ये शुरू हो गया है, मैं आपको आके लिए दिखाना चाहूँगा। तो ये जो टमाटर का फल है सबसे नीचे वाला फल था, ये क्या हुआ कि इसका जहाँ ये नीचे को झुका होता है उधर से ही जो है रोग जो है, बाकी में अब ये नहीं है लेकिन यहाँ से शुरू हो गया है ये रोग, क्योंकि अभी बारिश हुई थी तो उस वजह से ये रोग यहाँ पर लग गया। तो क्योंकि जो इस रोग के जो बीजाणु हैं जो इस फफूंद के, ये फाइटोप्थोरा नामक फफूंद से होता है, वो क्या होते हैं कि उसके स्पोर जो होते हैं वो मिट्टी में होते हैं। पिछले साल के जो आपके जो सड़े हुए फल आपने इसमें पड़े होंगे उसकी वजह से वो रोग के जो बीजाणु है वो मिट्टी में हैं। जैसे बारिश होगी, बारिश की बूंद गिरेगी और बूंद के साथ जो है मिट्टी जो है वो स्प्लैश करके या उछल के आएगी और वो फल के निचली तरफ वो चिपक जाएगी पानी के साथ, उससे क्या होगा कि वहाँ से जो है वो रोग का जो रोग की शुरुआत हो जाती है, या जो पत्ते नीचे होंगे सबसे नीचे उन पत्तों से वो रोग की शुरुआत हो जाती है। बकाई रॉट जो है वो पत्तों पे नहीं आता, लेकिन जो लेट ब्लाइट है वो पत्तों पे भी आता है। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि आजकल ही अब आपके अगर टमाटर आपका है तो आपके नीचे से जो आपकी जो इसका टमाटर का जो पौधा है उसके कम से कम भी 15-20 जो सेंटीमीटर तक जो है आप जितने भी आपके टहनियाँ हैं या पत्ते हैं जो चांस है कि ज़मीन से लग जाएंगे या टच हो जाएंगे उनको आप काट दें। का ये फ़ायदा है कि फिर जो रोग है, और अभी इसमें तो मल्चिंग नहीं की है लेकिन मैं सलाह दूंगा कि उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मल्चिंग, कोई घास या कोई भी जैसे कोई और मल्चिंग इस पर बिछा दें, उससे क्या होगा कि एक बैरियर बन जाएगा ज़मीन पे, ज़मीन के और पौधों के बीच में, और जो नीचे जो रोगाणु है वो उछल के पौधों पे नहीं आएंगे। ये जब आपका घना ज़्यादा पौधे की टहनियाँ घनी है उसमें धूप नहीं लग रही है, जो भी मॉइस्चर ज़्यादा होगा उसकी वजह से ज़्यादा फैलता है, तो उसको भी जो ये जब टहनियों में गैप होगा या तो हवा का जो है आवागमन होगा इससे, उससे क्या होगा कि जो सरफेस है पत्तों का भी और टहनियों का भी वो जो है वो सूखा रहेगा, उससे क्या होगा कि इस रोग का जो बढ़ोतरी है वो बहुत कम होगी। साथ में ये ज़रूर करें कि जैसे ये फल है जो ख़राब हुआ है, ये सड़ा हुआ जो फल होगा ये नीचे जो गिरा होगा, तो मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि जो बकाई रॉट वाले या लेट ब्लाइट वाले फल जो नीचे गिरते हैं, क्योंकि बरसात में फिर उनको उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जैसे ही वो गिरें तो स्प्रे पे एकदम नहीं जाएं, सबसे पहले उन सारे फलों को जो है वो इकट्ठा करें और कहीं कोने में ले जाके उनको जो है वो गड्ढा बनाएं और वो सारे जो सड़े फल हैं उनको उसमें डाल के और उसको ऊपर से मिट्टी जरूर ढकें। उससे क्या होगा कि जो भी आपके फल है, जो भी जो आपके इस वर्ष भी जिसने फफूंद ने फैलना था वो भी, और साथ में जो अगले साल के लिए फफूंद ने जाना था वो सारा के सारा फफूंद जो है जो वो है वो आपने एक जगह ढक दिया, और उससे जो है आपका सारा जितना भी रोग के जो कारक हैं वो आपने कम कर दिया। क्योंकि एक फल में जो अगर आप इसमें देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में इसमें बीज होते हैं फफूंद के, जिससे कि रोग जो है आप ऊपर तो स्प्रे करते रहेंगे लेकिन वहाँ से रोग जो है वो बीज जो है उसके जैसे ही बारिश पड़ेगी उसके ऊपर गिरेगी, उसे उछलेगा और वो उसके ऊपर आता रहेगा।
जाएगा। खरपतवार नहीं है तो ऐसे ही आपने करना है कि अपने खेत में खरपतवार नहीं होने देने कि खरपतवार से जो है ये रोग और ज़्यादा फैलते हैं। ये आपने रखने उतने रख के और इसकी साफ़ सफाई करके ताकि जो हवा का आवागमन उसके थ्रू होता रहे और उसका सरफेस जो है सूखा रहे, क्योंकि बरसात में थोड़ा सा ही समय मिलता है पौधों को ड्राई होने के लिए बीच बीच में जैसे, तो वो उस समय जो है वो पौधे का सरफेस जो है सूखा भी होना चाहिए ताकि इस रोग का फैलाव नहीं हो। और सलाह देते हैं कि दवाइयों का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का जो हमारी जो सलाह है वो है कि हम मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब, जैसे रिडोमिल नामक दवाई है और साइमोक्सेनिल प्लस मैंकोजेब दूसरी दवाई है, आप उनका जो है 2.5 ग्राम प्रति लीटर या 35 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से जो है उनका छिड़काव भी आप कर सकते हैं। और आप मैंकोजेब नामक दवाई का भी आप इतनी ही मात्रा में उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जरूर करें कि बरसात जिस खेत में ये रोग, जो मैं काली टिक्की की बात कर रहा हूँ, ये पहले से था, पिछले साल अगर आपने देखा होगा वो रोग था, तो इस वर्ष आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इस वर्ष आपको ये बरसात से आने से पहले हफ्ता भर पहले, अगर आपको जैसे प्रेडिक्शन होती है कि बरसात आने वाली है एक हफ्ते बाद यहाँ पहुँच जाएगी मानसून, उससे पहले ही आप इस दवाई का जो है एक छिड़काव पहले ही कर लें जिसके खेत में ये पिछले साल ये बीमारी आई थी। उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो भी इनोकुलम थोड़ा बहुत आया होगा वो वहीं पे ही हो शुरू का जो है इसका, क्योंकि शुरुआत जो होगी बीमारी की उसमें शुरू में ही आप इसके काफ़ी हद तक इसके इनोकुलम को आप कंट्रोल कर लोगे और उससे जो है आगे बरसात, क्योंकि बरसात के समय में फिर बीमारी को कंट्रोल कर पाना और स्प्रे कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बीमारी को जो है वो एक वातावरण मिलता है उसको पनपने का, तो अगर जितने नंबर में इनोकुलम ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा वो फैलेंगे। अगर इनोकुलम का नंबर, इनोकुलम मतलब जिनसे वो बीमारी जो कीटाणु के बीज हैं जिनसे बीमारी होगी, अगर वो कम मात्रा में होंगे तो वो कम ही बीमारी आगे फैलेगी। तो मैं ये ज़रूर सलाह दूंगा कि ये सारा काम जो है आप आजकल बरसात आने, क्योंकि अब आपको पता है कि 20-25 तारीख के बाद जो है होते, तो उससे पहले ये सारा काम जो आप कर लें। नर्सरी की स्टेज में हम ध्यान जरूर दें कि नर्सरी में कुछ बीमारी हमने देखा है, पाया कि कुछ बीमारियाँ जो है नर्सरी से चल के जो है वो हमारे खेत में आती हैं, तो उसके लिए आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है कि नर्सरी में जो है वो कई लोग क्या करते हैं कि नर्सरी ले ली और उसमें लिया और सीधा लगा दिया पौधा, तो नर्सरी में भी आप छांट के देखें पौधे की, पौधे में कोई उसकी डंडी में कोई काला दाग तो नहीं है, उसके तने के पास कोई, क्योंकि एक इसमें तना सड़न रोग आता है, इसमें जो कॉलर रॉट भी जिसको बोलते हैं वो आता है, वो उसे ही आता है, नर्सरी से ही आता है। और साथ में वायरसेस जो हैं दो दिनों में जो है वो बरसात से एकदम पहले जो है पत्ते धब्बे रोग जो है और ये जो मैंने बताया आपको काली टिक्की रोग की शुरुआत इसमें हो जाती है, तो इन रोगों का के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे इनको रोकना है और अगले आने वाले समय में बरसात में रोगों का प्रकोप और अधिक ना बढ़े उसको आपने आज ही क्या तैयारियाँ करनी है, उसके लिए मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इन जो भी मैंने आपको सलाह दी इसके ऊपर आप अमल करेंगे और अपने खेतों में बीमारियों के प्रकोप को जो है वो कम करेंगे।